व्यवस्था पर विश्वास नहीं। सिस्टम से सरोकार नहीं। पुलिस पर एतबार नहीं। तंत्र का मंत्र कारगर नहीं। कमी सब्र की या सिस्टम की। विशेष देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। पूरा प्रकरण आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल भी हरियाणा न्यूज उठाना चाहता है, क्योंकि लगातार सवाल उठ रहे हैं, कमी किसकी है जानने की कोशिश। सवाल नंबर एक, क्यों व्यवस्था से उठ रहा है जनता का भरोसा, क्यों दरक रहा है पब्लिक और पुलिस का ये रिश्ता। सवाल नंबर तीन, क्यों कानून हाथ में लेना हो गया है अब आसान, कैसे कायम हो व्यवस्था में लोगों का भरोसा। कमी लोगों में या फिर सब्र की कमी यहाँ पे मानी जाए या फिर सिस्टम की कमी, इसको हम मान सकते हैं, क्योंकि एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं। कानून हाथ में उठाना अब आम हो गया है, किसकी यहाँ पे जिम्मेदारी बनती है? क्या हम लोग सब्र हम भूल गए हैं? सब्र हम कैसे करें, ये बातें हम भूल गए हैं, तभी ये तमाम मामले सामने आ रहे हैं। इसी पर आज विशेष में चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में रेशम सिंह जी, पूर्व ADGP मौजूद है। बहुत स्वागत है आपका रेशम जी हरियाणा न्यूज पर। तो रेशम जी हमारे साथ स्टूडियो में है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे रेशम जी, क्योंकि तमाम मामले हम देख रहे हैं आए दिन सामने आते हैं, कानून लोग अब अक्सर हाथ में लेते हैं। सबसे पहला सवाल, कमी किसकी है, या सब्र यहाँ पे कम हो गया है लोगों में, या कहीं ना कहीं व्यवस्था वो खराब है? वो ऐसा है, हर आदमी अपने फायदे के लिए कोशिश करता है कि उसका जो है काम हो। अब दिल्ली में कई बार सुना आपने, गुड़गांव भी है, कई शहरों में सुना है, लोग पार्किंग के ऊपर लड़ाई करते हैं। पार्किंग के ऊपर रिसेंटली अभी आपके न्यूज़ आ रही थी कि उसको पार्किंग के ऊपर झगड़ा हुआ कि मैं यहाँ गाड़ी खड़ी करने की, तो उस पर मर्डर हो गया। उसमें पुलिस क्या करेगी ये बताओ? उसमें जो है जिसने गोली मारी है, जो उसको मारा है, उसको पकड़ गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करेगा, कानून के हवाले कर दे, उसके बाद वो कोर्ट में जाएगा, जो सजा होगी कोर्ट देगी, उसको देगी, एविडेंस कलेक्ट करेगी, उसमें पुलिस कहाँ से आएगी? इसी तरह सड़क पे जा रहे हैं, ओवरटेक करते हुए आपस में लड़ाई हो जाती, झगड़ा हो जाता, हर आदमी सोचता मैं जल्दी में, हर आदमी जल्दी में है, तो इसलिए कैसे होगा? लेकिन रोड रेज के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं, उसमें भी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं सब्र की कमी भी मानी जाती है। सवाल लगातार विशेष में हम उठा रहे हैं, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखाना चाहेंगे और उस रिपोर्ट के जरिए ये समझाना चाहेंगे कि आखिर कैसे मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लोग आखिर कितने ज्यादा अपने सब्र को भूलते जा रहे हैं और कानून हाथ में लेते जा रहे हैं। पहले रिपोर्ट आप देखिए, उसके बाद करते हैं इस पर विस्तार से चर्चा। ऐश भी यादे खुदा ना रहा, तैश भी खौफ खुदा ना रहा, ये अल्फाज हमारे सिस्टम पर भी सटीक बैठते हैं। कुछ यूं कि हमारे तंत्र की कमान संभाल रहे अफसरों को ऐश परस्ती की आदत ऐसी हो जाती है कि वो अपने फर्ज को भुला देते हैं, और कुछ यूं कि जब सब्र की दरकार होती है तब लोग तंत्र का खौफ भूलकर कानून को हाथ में ले लेते हैं।
गोहाना हो, मेवात हो या फिर सोहना, हर जगह कानून व्यवस्था ताक पर नजर आई और लोग कानून को हाथ में लेते नजर आए। ये नजारा सोहना के पुलिस थाने का है, जहां बाईखेड़ा गांव के लोग बुलंदाबाद से पुलिस प्रशासन से न्याय की मांग कर रहे हैं। दरअसल करीब एक महीने पहले सोहना में दो गुटों में खूनी संघर्ष हुआ था, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसके उपचार के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस ने हत्या के आरोप में 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया, जिनमें 3 गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन अभी तक 4 आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं, जिसके विरोध में मृतक युवक के परिजनों ने जमकर प्रदर्शन किया। कमी सब्र की या सिस्टम की, मामूली विवाद पर मेवात में महाभारत, बच्चों के खेलने को लेकर 5 गांव आमने सामने, 4 नवंबर को 3 गांव में चला खूनी संघर्ष, पुलिस की मौजूदगी में जमकर पत्थरबाजी, भिड़ंत में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल, गोहाना में लोगों ने पुलिस वालों को पीटा, सुनपेड़ अग्निकांड के बाद लोगों ने हाईवे पर लगाया जाम। सूरत हाल ये है कि ना सिस्टम की गाड़ी पटरी पर है और ना लोग कानून की सहसवारी पर यकीन कर रहे हैं। बिना कानून का समाज कहां जाएगा और बिना समाज के सरोकार के कानून कहां जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो सिस्टम की गाड़ी पटरी पर नहीं है, आम जनता पुलिस पर विश्वास नहीं करती और पुलिस के ही सामने उन पर लगातार कहीं ना कहीं कहीं हमले किए जाते हैं, कहीं कानून हाथ में लिया जाता है, अक्सर ये मामले सामने आते हैं। रेशम जी, आपके पास आऊंगी, आखिर क्या वजह इसके पीछे मान सकते हैं, क्योंकि तमाम जो मामले सामने आ रहे हैं वो तो यही दिखा रहे हैं कि इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आम जनता की तो है ही, उसके साथ ही साथ सिस्टम की भी जरूर कमी इसको मानी जा सकता है। सिस्टम की अगर कोई व्यक्ति कहीं कोई भी घटना घटती है, उसके बारे में कोई रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में आती है, तो पुलिस अधिकारी जो उस वक्त पुलिस स्टेशन में हाजिर है, उसकी जो ड्यूटी बनती है कि इमीडिएटली उस पर कार्रवाई करें। जैसे आपने अभी सनपेड़ वाला केस उसका कोर्ट किया, इसमें आपके रिपोर्टर ने, उसमें उन्होंने एक चिट्ठी लिख के दी कि हमें खतरा है, जान से खतरा है और हमें मार देंगे, इमीडिएटली उस पर कार्रवाई हो जाती तो शायद इतनी लंबी चौड़ी घटना नहीं हो। घटना सच्ची है झूठी है अलग बात है, उसके ऊपर वो तफ्तीश का मामला है कि उसमें किसने मारा किसने नहीं मारा, लेकिन इमीडिएटली अगर उसमें पुलिस कार्रवाई करती तो शायद ये घटना ना घटती। इसी तरह आपके जो सोना में झगड़ा हुआ, जब दोनों पार्टियों में झगड़ा होता उसी वक्त तो हमारे एक प्रिवेंटिव एक्शन होता है कि घटना घटने से पहले ही जो लड़ाई करने वाले जिनके ऊपर ये लगता है कि ये आपस में लड़ाई करेंगे और लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेंगे, कानून लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा, तो उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। गिरफ्तार करके उसमें कोर्ट में पेश करो, तो इससे वो घटना घटने से रुक जाती है। लेकिन रेशम जी, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कैसे किया जाए, सवाल क्योंकि अब यही उठता है, क्योंकि हम देख रहे तमाम मामले सामने आते हैं और उसमें कुछ ऐसा ही होता है, लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन हो पाएगा? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना तो पुलिस की जिम्मेवारी है, लेकिन नहीं हो पा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है कि वो उसमें छोटी बहुत सारी जो एक एकादुकी घटना को छोड़ के अगर कहें कि उसको अगर मुद्दा बनाया जाए, तो ऐसी बात नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस का जो काम है, वो पहला मेन काम जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, उसके लिए ये जरूरी है कि उस पुलिस के पास इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए पुलिस की अपनी ड्यूटी है, उसके अपने सोर्सेज हों, या पब्लिक के बीच में जाकर बैठे, पब्लिक के साथ उसका व्यवहार अच्छा हो, पब्लिक उसको खुद बताए, अगर उसको जो पता होना चाहिए कि कहाँ कौन सी घटना घटने वाली है, उससे घटना से पहले उस पर अगर कार्रवाई कर लेता तो लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहता नहीं, है। लेकिन रेशम जी, पुलिस के सामने तमाम ऐसे मामले इकट्ठे हैं, पुलिस वालों की पिटाई कर दी जाती है। जींद में हाल फिलहाल में एक मामला सामने आया था, जहाँ एक पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी कर रहा था, महिला कोच में जाने से लोगों को रोक रहा था, लेकिन सब लोगों ने मिलकर उसी की धुनाई कर दी। हाँ, पुलिसकर्मी तो उसी समाज में से है, और वो अकेला देख के या एक या दो पुलिस वाले देखे, उसमें 20 आदमी इकट्ठे आगे पुलिस के ऊपर, पुलिस क्या उसमें वो दो आदमी क्या करेंगे? नहीं तो पुलिस का डर आखिर क्यों नहीं है लोगों को? लोग पुलिस से डरते नहीं है, कानून खुद ब खुद हाथ में ले लेते हैं, फिर आपके ह्यूमन राइट आते हैं। फिर आप उसमें कहते हैं कि पुलिस वालों ने उसको मार दिया, पुलिस वालों ने बहुत पिटाई करी, दोनों चीजें हैं इसमें। अगर देखो, पुलिस वाला अगर मतलब कानून के बीच कानून में रह के अगर कार्रवाई करता है,
तो आम आदमी सोचता है ये बड़ा कमजोर पुलिस अफसर है। अगर वो लठ मारता है, उसको पिटाई करता, सबकी बोला बड़ा सख्त पुलिस अफसर है। अब दोनों में से कौन सा पुलिस अफसर चाहिए आपको? सवाल बरकरार है। सुनीता दुग्गल जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सुनीता जी बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी नमस्कार। सुनीता जी नमस्कार। सवाल आपसे सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी, क्योंकि आज हम बात यहाँ पे कर रहे हैं जिस सिस्टम की कमी लगातार देखने को मिल रही है, उस सिस्टम की कमी के लिए जिम्मेदार हम किसको मानेंगे? क्योंकि लोगों में भी कहीं ना कहीं अब कानून और पुलिस का खौफ देखने को नहीं मिलता, पुलिस के सामने ही अपने वो कानून को हाथ में ले लेते हैं। जिम्मेदारी किसकी बनती है, गलती किसकी बनती है, गलती को सुधारा कैसे जाएगा? देखिए मुझे लगता है कि अगर हम पिछली सरकार के समय को देखें तो उस समय बहुत बार ऐसा हुआ था कि जब जनता ने कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की कोशिश की थी और सरकार ने बिल्कुल ये सोची कि एक वोट बैंक की राजनीति को देखते हुए प्रशासन के ऊपर एक अंकुश लगा के रखा, और जो जिन लोगों ने कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लिया उन लोगों को भी सरकार ने कभी ये नहीं कहा कि आप जो है इनके खिलाफ कोई कार्रवाई कीजिए। बल्कि मैं अगर आपको याद दिलाना चाहूँ कि बहुत बार ऐसा हुआ कि खुद पुलिस जो ऑफिसर्स हैं या पुलिस के जो कॉन्स्टेबल्स हैं, कर्मचारी हैं, उनके उनके ऊपर भी जो जनता ने जो है हाथ उठाया और उनको जो सर्विस के मतलब जैसे बोलते हैं कि ड्यूटी के टाइम पे उनमें जी आप खुद ये बात मान रही हैं कि आम जनता ने पुलिस कर्मियों पर हाथ उठाया, ऑन ड्यूटी उन पर हाथ उठाया, लेकिन ऐसे हालात आखिर क्यों हो जाते हैं, स्थिति ऐसी बदतर क्यों बन जाती है आखिर? और वो अभी जैसे पिछली सरकार के समय में हुआ कि कभी आप रेलवे ट्रैक जाम कर रहे हैं, कभी आप कुछ जाम कर रहे हैं, कभी आप कितना सुनिया जी इसमें कम से कम राजनीति नहीं करते आप बार बार ये कह रहे हैं पिछली सरकार के दौरान हुआ, अभी भी ऐसा होता है, तमाम मामले अभी भी सामने आते, तो कम से कम इस पर ये आरोप प्रत्यारोप का खेल नहीं खेलते, ये बात करते कि आखिर कैसे इसको दुरुस्त किया जाएगा। नहीं देखिए इसमें दो बातें हैं। नंबर एक तो कि जनता को ये समझना चाहिए कि पुलिस प्रशासन जो है वो उनकी सेवा के लिए और वो उनकी मदद के लिए है, और नंबर दूसरी बात ये है कि साथ साथ पुलिस जो है उसको भी अब जो अपने कानून व्यवस्था को जनता हाथ में लेगी उस पर थोड़ी सख्त कार्रवाई करनी की जरूरत है। चलिए सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। सुनीता जी आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि लगातार हम देख रहे तमाम जो मामले सामने आ रहे हैं सिस्टम की कमी उससे साफ झलकती है, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि आप ऐसे हालातों को पैदा ना होने दें। इस पर आगे करेंगे चर्चा। रेशम जी हमारे साथ स्टूडियो में है, सुनीता जी भी बनी हुई है, लौट रहे एक छोटे से ब्रेक के बाद और उसके बाद करते हैं इस पर चर्चा। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। बड़े घने काम पे एक साल खड़ी फसल पे ओले पर से बारिश बरसी धुआंधार। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के किसानों को बेमौसमी बरसात व ओलावृष्टि से गेहूं की फसल के नुकसान होने पर बड़ी राहत प्रदान करते हुए 12,000 रुपए प्रति एकड़ तक मुआवजा राशि निर्धारित करके 1,094,25,00,000 रुपए महीने भर में बंटवाकर किसानों के लिए सही समय पर सहायता पहुंचाने का काम किया, और सरकार की खरीद एजेंसियों ने प्रदेश के किसानों के गेहूँ का एक एक दाना 1,450 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा। हरियाणा एक वर्ष सर्वत्र हर्ष। गुलमोहर सिटी NH-65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल।
सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं। बेरोजगार रहने के दो कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। बड़े घने काम पे एक कैसा को सुनो ध्यान से ये सरकारी ऐलान, मिनी डेरी पर मिलता अब सरकारी अनुदान। देसी गायों को पालो अब श्वेत क्रांति को लाओ तुम, अधिक दूध वाली गाय पर 20,000 तक पाओ तुम। वर्तमान हरियाणा सरकार की कोशिशों से गौ संरक्षण एवं गौ संवर्धन विधेयक 2015 हरियाणा विधानसभा में पास। प्रदेश भर में देसी नस्ल की गायों की मिनी डेयरी खोलने पर किसानों को 50% सब्सिडी दी जा रही है, और इसके अलावा देसी और साहिवाल नस्ल की अधिक दूध देने वाली गायों के मालिकों को 10,000 से 20,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि की योजना भी शुरू की गई है। हरियाणा एक वर्ष सर्वत्र हर्ष। कमी सब्र की या फिर सिस्टम की, इसी पर आज विशेष में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि प्रदेश में तो जो तमाम मामले सामने आ रहे हैं वो तो कम से कम यही दिखा रहा है कि कमी तो जरूर है। अब वो कमी सिस्टम में है या फिर सब्र में, यही जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में रेशम सिंह जी लगातार हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। रेशम सिंह जी, हम देखते तमाम मामले होते हैं, तमाम घटनाएं घटती हैं, इस सब में क्या माना जाए, गलती किसकी हो सकती है? कहीं ना कहीं पुलिस की अपनी मजबूरियां हैं, आम जनता खुद भी त्रस्त होती है, परेशान होती है, जबकि कोई सुनवाई नहीं होती तो जाहिर सी बात है गुस्सा फूटना लाजमी है। क्या स्थिति को निपटाने के लिए दूसरे तरीके से भी कोई काम किया जा सकता है, या फिर अब ऐसा ही कुछ एक रास्ता बचता है? पुलिस अफसर को एक और तरह की ट्रेनिंग की आजकल जरूरत है। हाँ। क्योंकि जो पब्लिक है वो बड़ी इंटॉलरेंट हो गई है, किसी को बर्दाश्त नहीं करते, तो साइकोलॉजिस्ट बनना पड़ेगा पुलिस अफसर को। जो भी आता है उसको पहले समझा ले अच्छी तरह से, ऐ साइकोलॉजिस्ट उसे उसको अपने सारे फार्मूले लगा के देखे, और अगर नहीं मानता तो जो भी कानूनी कार्रवाई उस पर हो सकती है उस पर होती। जैसे पुलिस पे आप कह रहे हैं अटैक हुआ तो इमीडिएटली उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, 2 दिन बाद गिरफ्तार करो, अगर उस वक्त नहीं कर सकते तो जिसने भी रास्ता रोका या रेल रोकी या उसने पुलिस के ऊपर अटैक किया या किसी भी पब्लिक सर्वेंट पे अटैक किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक आपको अलग, आप कह रहे हैं कि अलग तरीके से एक ट्रेनिंग देनी चाहिए। कांग्रेस से हमारे साथ रंजीता मेहता जी भी जुड़ गई, उनसे भी बात कर लेते। रंजीता जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी धन्यवाद। रंजीता जी, जिस तरीके से इंटॉलरेंस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लोग कानून हाथ में लेते हैं, कानून का खौफ देखने को नहीं मिलता। हमारी सुनीता दुग्गल जी से बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि अब ये मामले काफी कम हुए हैं, कांग्रेस के टाइम में तो बहुत सारे मामले ऐसे आते थे, लेकिन अब इन मामलों में कमी जरूर दर्ज की गई है। क्या कहना चाहेंगी, क्या वाकई में कमी दर्ज की गई है, और अगर नहीं की गई तो क्या उसकी वजह मानी जाए? देखिए सुनीता दुग्गल जी का जहां तक मानना है, उनको हर चीज कांग्रेस की कमियां ही नजर आती हैं, जैसे सावन के अंधे को हरा हरा ही नजर आता है। हाँ। उसी तरीके से उनको बीजेपी की सब अच्छाइयां नजर आती हैं कि इनके आने पर सब कुछ ठीक हुआ है। हाँ। जबकि हकीकत उल्टा है। हर चीज में भ्रष्टाचार में भी आज आप कर लें तब भी बीजेपी के जो नए घोटाले उजागर हो रहे हैं, अभी आपके सामने पूना सप्लाई का 18 करोड़ का जो घपला है उजागर हुआ है, आरटीआई हम लोग लेके आए इसीलिए ये घोटाले उजागर होने शुरू हुए। तो कहने का अभिप्राय ये है कि बीजेपी सरकार की जो प्रशासन है और जो इनके मंत्री है उन्हीं में आपस में तालमेल नहीं है, कहीं पे पुलिस वाले हावी हैं, कहीं पे मंत्री हावी हैं, और आपस की इनकी जो तालमेल की कमी की वजह से जो परेशान वो पब्लिक हो रही है। तो कांग्रेस तो ये कह रही है कि तालमेल की कमी और उसकी वजह से परेशानी आम जनता के लिए हो रही है। इनेलो से अरविंद भारद्वाज जी भी जुड़ गए हैं। नमस्कार अरविंद जी। अरविंद जी, क्या आप मानेंगे, क्या आपको लगता है वजह इसके पीछे, हम किसको मान सकते हैं? इंटॉलरेंस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, पुलिस और जनता के बीच में झड़प जो है वो आम हो गई है, क्या जो तालमेल होना चाहिए इन दोनों के बीच ताकि सोसाइटी में, ताकि हमारे प्रदेश में स्मूथनेस बनी रहे, प्रॉब्लम्स ना हो, क्या उस स्मूथनेस को लाने के लिए अब कदम उठाए जाने की जरूरत है? जी,
असल में देखने में ये आया है कि पिछले कुछ सालों में जो सरकार पर जो जनता का भरोसा है वो कम होता चला गया। हाँ। उसकी वजह ये रही कि सरकार की जो जवाबदेही है जनता के प्रति वो नहीं रही। ऐसी जो नीतियां जो पीछे सरकारों ने बनाई हैं वो जनता तक उनका फायदा सीधा सीधा नहीं पहुंचा। हाँ। और जनता का जो रोष है वो बढ़ता चला गया और उस रोष ने एक ऐसा रूप ले लिया कि वो सीधा टकराव की मुद्रा में सरकार से आ गई, चाहे वो पुलिस विभाग के खिलाफ हो जनता का रोष, या वो तहसीलों में जनता की खिलाफत हो, या वो बीडीओ दफ्तरों में जो बुजुर्ग पेंशन लेने जाते हैं वहां उनका रोष हो। तो सभी वर्ग जो हरियाणा प्रदेश के जो सभी वर्ग हैं वो सभी वर्ग सरकार के खिलाफ आज खड़े हो चुके हैं और उसकी वजह सीधे सीधे सरकार की फेलियर है क्योंकि सरकार जनता को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही। हम ये मान रहे हैं कि खामियां तमाम है, लेकिन सवाल ये आपसे मैंने पूछा था कि उन खामियों को दुरुस्त करने के लिए क्या किया जा सकता है, कैसे जो विश्वास खो दिया है पुलिस ने वो एक बार फिर से कैसे पाया जा सकता है, ये ठीक कैसे हो सकता है, क्योंकि जब तक ये ठीक नहीं होगा सिस्टम तो कहीं ना कहीं जो मामले लगातार सामने आ रहे हैं और ज्यादा बढ़ते जाएंगे और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स आम जनता के लिए, पुलिस वालों के लिए और प्रदेश के लिए बढ़ेंगे। जब तक पुलिस विभाग अपनी जवाबदेही तय नहीं करेगा किसी भी मुकदमे पर, जब मुकदमा दर्ज होता है उस पर अगर तुरंत कार्रवाई नहीं मिलेगी और पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये जो रिश्ता है पुलिस विभाग का और जनता का वो ठीक नहीं हो सकता। दूसरा, उन्हें अपने व्यवहार में भी बदलाव लाना होगा, इसके लिए सरकार को कुछ ऐसे कदम उठाने होंगे ताकि पुलिस और आम जनता के जो बीच का जो गैप है वो कम हो सके और एक ऐसा मजबूत रिश्ता उनके बीच बन सके कि आम तो गैप को कम किया जाना चाहिए, जनता और पुलिस के बीच में जो गैप है उसको कम किया जाना चाहिए। रंजीता जी आपके पास आऊंगी, आप को क्या लग रहा है क्या किया जाना चाहिए, कैसे इस गैप को दूर किया जा सकता है, कैसे एक ब्रिज बनाया जा सकता है जिससे इस समस्या का कम से कम इलाज हो सके? देखिए, जब तक प्रशासन का खौफ नहीं होगा। हाँ। और प्रशासन का खौफ मेनली जो है जो पुलिस प्रशासन है उसके ऊपर होना जरूरी है, लगाम होनी जरूरी है, उनकी जवाबदेही जरूरी है, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग जरूरी है। और अगर कोई अपनी पोस्ट पे अपनी ड्यूटी पे गैर जिम्मेदाराना हरकत करता है तो तुरंत उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। हाँ। तभी इन चीजों में सुधार आ सकता है। प्रॉब्लम यही है कि पुलिस वालों को पता आम जनता, रंजीता जी, आम जनता इस बात से परेशान रहती है कि उनकी कोई सुनता नहीं है, कोई उनके मामलों में कोई जल्दी से जल्दी सुनवाई नहीं करता, आखिर क्यों? रंजीता जी सुन रही है? मैं आपका सवाल सुन नहीं पाई। हाँ रंजीता जी, मैं सवाल आपसे ये पूछ रही हूँ, आप कह रही हैं कि एक ब्रिज जो है वो बनना चाहिए, मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ आखिर वो कैसे हो पाएगा, क्योंकि हम देखते हैं तमाम मामलों में पुलिस वाले आम जनता की सुनते नहीं है, तो लाजमी है कि आम जनता जब परेशान होगी, त्रस्त होगी, तो किसी ना किसी तरीके से गुस्सा तो फूटेगा। पब्लिक है, उसका गुस्सा फूटता ही फूटता है। यहाँ पर प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है, पुलिस वालों की जवाबदेही की जरूरत है। देना ही एक सलूशन नहीं है। हाँ। उनको प्रॉपर, अगर वो अपनी ड्यूटी नहीं निभाते या किसी तरीके से विफल होते हैं तो उनको उसके ऊपर प्रॉपर एक्शन होना चाहिए। प्रॉपर एक्शन होना चाहिए। रेशम जी आपके पास आऊंगी, रंजीता जी आपको रोकना चाहूंगी, रेशम जी आपके पास आऊंगी, फाइनल कॉमेंट्स, आखिर कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, फाइनल कॉमेंट्स। देखिए, पुलिस मतलब पुलिस का तो एक महकमा है सरकार का, इसके अलावा बहुत सारे महकमे हैं और सभी महकमों की जो कारगुजारियां हैं जिसमें गड़बड़ होती है वो उसका जवाबदेही पुलिस को देनी पड़ती है। हाँ। वो पुलिस को इसलिए कि लोग जो सोचते हैं कि जो भी इम्प्लीमेंट होना है पुलिस के थ्रू होना है। हाँ। जैसे अगर बिजली नहीं आई और लोग शोर मचा सड़क पे आ गए थे, बिजली नहीं आ रही, हाँ। वो पुलिस वाले फिर बीच में आएंगे, पानी नहीं आ रहा तो पुलिस वाले आएंगे, और इसी तरह जो रोड के ऊपर लोगों ने गाड़ियां खड़ी कर रखी है, जैसे और एमसीडी वालों ने अगर वो एमसीजी वालों ने अगर उसे उसको 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 दे रखा है लाइसेंस, वो कैसे हटाएंगे? तो इसलिए जो सभी महकमों का मिलके सरकार के जो मुख्य सरकार के जो कोऑर्डिनेटर हैं, मुखिया है, जो भी मंत्री हैं और जो चीफ मिनिस्टर, सब कुछ है, तो सबको मिलकर देखना चाहिए कि लोगों के भलाई के लिए क्या करना चाहिए और उसका इम्प्लीमेंट पुलिस के थ्रू जो करना चाहिए। सभी डिपार्टमेंट्स को, मुख्यमंत्री को खुद इसमें काम करना होगा और तभी देखा जाएगा कि आखिर काम कैसे हो सकता है। शुक्रिया आपका रेशम जी, आप हमारे साथ स्टूडियो में आए, आपने चर्चा इस विषय पर की। रंजीता जी, सुनीता जी और अरविंद जी भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। कहीं ना कहीं जरूरत इस बात की है कि बाकायदा एक पूरी प्लानिंग हो, जो गैप है आम जनता और पुलिस के बीच में उस गैप को कैसे
कैसे फिल किया जा सकता है, कैसे ब्रिज बनाया जा सकता है ताकि तमाम डिपार्टमेंट्स मिलकर आपके लिए काम करें, आम जनता की भलाई के लिए काम करें, शायद तभी आम जनता का गुस्सा तो कम होगा ही और उसी के साथ जो लगातार मामले सामने आ रहे हैं उनमें भी कमी जरूर दर्ज की जाएगी। इसी के साथ विशेष में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।